नमस्कार छात्रों, कल हमने बाल महाभारत का पाठ 5 पढ़ा था जिसका नाम था कुंती। कुंती पाठ के अंदर हमने जाना कि जो कुंती थी उसका नाम पृथा था और वो कुंती भोज के गोद लेने के बाद उसका नाम कुंती पड़ गया। तो आज का हमारा चैप्टर है भीम। भीम कौन थे? भीम जो पांडु थे उनके बेटे थे। 5 पांडव में से एक थे भीम। और जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे वो कौरव कहलाए। और जब पांडु की मृत्यु के बाद जब ऋषि मुनि उन्हें वहाँ हस्तिनापुर छोड़ाए तो कौरव और पांडव एक साथ रहने लगे। शरीर बल में जो पांडु का पुत्र भीम था वह सबसे ताकतवर था और वह दुर्योधन व उसके भाइयों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। और परेशान होने के कारण जो दुर्योधन था वो तरह तरह से उससे मतलब प्रतिशोध लेना चाहता था। तो एक बार उसने सब कौरवों ने सलाह की कि वह भीम को गंगा में डुबोकर मार डालेंगे। इसीलिए भीम को कौरवों ने पांडवों को जल क्रीड़ा का न्योता दिया और सब ने जल में मतलब काफ़ी देर तक वो मतलब नहाते रहे और फिर उनको भोजन के लिए बोला गया। और दुर्योधन ने क्या किया, भीम के भोजन में उसने विष मिला दिया। सब पांडव बहुत थक चुके थे और सभी अपने डेरों में जाकर सो गए और भीम भी मतलब उसमें जाके सो गया। तभी कौरव उठे और कौरवों ने भीम को लताओं से बांधा। लता क्या होती है, जो पेड़ होते हैं, पेड़ की जो बड़ी बड़ी टहनियाँ होती है उनको लता बोलते हैं, उनसे बांधा और उसको गंगा में डुबो दिया। जब काफ़ी देर बाद और पांडवों की आँख खुली तो उन्होंने भीम को ढूंढा लेकिन भीम उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और दुखी मन से वो हस्तिनापुर लौट आए। तो तभी वह क्या देखते हैं कि तभी जो भीम है वो बहुत ही मतलब मस्त चाल में चला आ रहा है। जब उसने मस्त चाल में आता हुआ देखा भीम को तो सारे पांडव बहुत खुश हो गए। लेकिन भीम को जिंदा देखकर जो दुर्योधन थे और जो उसके भाई थे वो बहुत ज़्यादा मतलब दुखी हुए। और यह मतलब जो कुंती थी उसे भी पांडवों की चिंता होने लगी और उसने विदुर को बुलाया और अपने चिंता के बारे में विदुर को बताया। तो विदुर बोले कि इस समय सबका चुप रहना ही ठीक है क्योंकि अगर सभी को पता चलेगा तो फिर ज़्यादा बैर बढ़ जाएगा। जब भीम को सब कुछ पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया लेकिन युधिष्ठिर ने उसे रोकते हुए बोला कि अभी समय नहीं आया है, अभी हमें शांत रहना चाहिए। तो बेटे पाठ नंबर जो 6 है वो भीम है और जो मैंने आपको पूरा सार बता दिया है कि क्या बताया मैंने, जो भीम थे वो पांडु के पुत्र थे और जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे वो कौरव कहलाए। कौरव और पांडवों की कभी नहीं बनती थी और भीम से तो कभी नहीं बनती थी। और जब दो कौरव और पांडवों ने कृपाचार्य से अस्त्र विद्या सीखने लगे तो उसमें भी जो पांडव थे वो सबसे आगे रहते थे। यह देखकर कौरवों को बहुत ही ज़्यादा मतलब उनसे जलन होती थी और इसी जलन को लेकर दुर्योधन ने भीम को मारने का प्रयास किया लेकिन वो बच गया और उनको मतलब अपने मतलब बाद में पछताना पड़ा। धन्यवाद। अब हम कल मिलेंगे आपसे।